स्टूडेंट्स आई होप दैट यू मस्ट ऑल बी डूइंग वेरी वेल एंड डूइंग ग्रेट विद योर वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स कोर्स हमारा काफी ज्यादा कवर हो चुका हुआ है हम अपने कोर्स की कुछ लास्ट मेरे ख्याल में लास्ट थर्ड में मूव कर चुके हैं और काफ़ी आप जावा से भी अब तक फेमिलियर हो चुके हैं और उसके अंदर वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं डिफरेंट वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज़ हमने अभी तक जो डिस्कस की हैं उनमें सर्वलेट्स हमने कुछ डिटेल में डिस्कस किए हैं और जैसा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम अब जावा सर्वर पेजेस पे मूव कर रहे हैं वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर जो जावा की ओवरऑल एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें सर्वलेट्स हैं उसमें जे हैं उसमें एंटरप्राइज जावाबींस हैं जावा सर्वर फेसेस हैं डाटा uh, एक्सेस के लिए उनके आलहदा ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट uh, तरीके हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के सिनेरियो में आती है अभी तक जो हम काम रहे हैं दैट इज़ मोस्टली रिवॉल्विंग अराउंड द वेपटर हम आगे जा इस डिज़ाइन पर फर्दर भी डिस्कशन करेंगे लेकिन जनरली जब आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं So it is composed of certain tier. You have a web tier which is used to serve clients uh, through their browsers. And then you have an application tier, just by business logic run kar rahi hoti hai. and then you have a database tier. So right now what we are uh, concentrating on is about the web tier. We have a web tier, kya hota hai? web tier wo hai jahan se user ne interact because uh, this is a web-based application. Application tarang ki ho hai.

पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सर्वलेट्स पे बात की है सर्वलेट्स uh, जो हैं वो जा, एक जावा की क्लास फाइल होते हैं और जावा की क्लास फाइल वो डायनामिक कोड जनरेट करने के डायनामिक कंटेंट जनरेट करने के काम आती है जी पे हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि जी स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस एंड वट एक्चुअली डज इज इट्स नथिंग मोर बट अर्वलेट लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट स्टाइल क्या है कि सर्वलेट के अंदर हमारे पास पूरा एक जावा का कोड होता है एक्सपीरियंस जावा डेवलपर वो सर्वलेट लिखता है एंड देन उस सर्वलेट के अंदर से हम आउट डॉट प्रिंट एलन की स्टेटमेंट्स यूज करके एच टी एम एल जनरेट कराते हैं नावी आउट डॉट प्रिंट एलन जो है इसको यूज करके एच की स्टेटमेंट जनरेट कराना रेलेटिवली कम्बरसम डिफिकल्ट उस एक लिमिट आप कोई एक टेक्स्ट एडिटर है उसके अंदर आउट डॉट प्रिंट आप यूज करते जा रहे हैं फिर देन देर आर एक्सट्रीमली गुड टूल्स विच हेल्पर्स जनरेट सच टी ड्रीम वीवर सच एस फ्रंट पेज एंड अलाट ऑफ अदर टूल्स ओपन सोर्स में भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत से फ्रंट एंड बनाने में आपकी हेल्प कर देते हैं एच बनाने की हेल्प कर देते हैं जैसे आप ड्रीमर या फ्रंट पेज यूज करें तो यू कैन ड्रैक ड्रॉप डिफरेंट कंट्रोल्स तो आपकी एच टी एम एल जो है जब आप सर्वलेट बना के यूज़ करें तो या तो आपके पास कोई ऐसी लाइब्रेरीज़ हो जो कि एच टी एम एल जनरेट करने में हेल्प करें या फिर आप ये वाले टूल्स की जो एच टी एम एल है इसको पहले बनाएं फिर उसको कट पेस्ट करें कुछ करें अपने आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर विच इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क तो ज्यादा सारे पेजस ने जो एक हमारे लिए बहुत आसान मसला इस मसले का एक आसान हल दिया वह था कि उसने प्रोसेस को रिवर्स कर दिया

जब हम आगे जाके डिफरेंट आर्किटेक्चर्स डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि मॉडल व्यू कंट्रोल आर्किटेक्चर्स में हमारा जी एस पी पेज जो है वो सिर्फ एक प्रजेंटेशन के काम आ रहा है यूज़र को सिर्फ कुछ टेक्स फील्स वगैरह दिखा रहा है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो कहीं और हो रही है तो जावा सर्वे पेजेस पर हर की आगे जा कर बातचीत करेंगे जब हम डिज़ाइन पर पहुँचेंगे लेकिन इस वक्त जो जायावर सर पेजेस ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है वो क्या कर दिए है वो ये कर दी है कि हम ऐस के अंदर अपना जावा कोड इम्बैट कर सकते हैं तो क्योंकि जावा सर्वर पेजेस वेब टीयर पर यूजर से इंट्रैक्ट करने के काम आ रहे हैं इसलिए एच को किसी उसके स्पेसिफ़िक टूल से जनरेट करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू तो कि आउट डॉट प्रिंट एल के हम स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करें तो जावा सरवर पेजेस का हमने ये फ़ायदा देखा जावा सरव पेजेस का क्या सिर्फ यही फ़ायदा है जावा सरव पेज़ के इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हर वो फ़ायदा जो कि सर्वलिट के साथ आपके लिए अवेलेबल था वो जावा सर्वर पेज के साथ भी आपके लिए अवेलेबल है अब आज हम जावा सर्वर पेजेस पे जब बात करेंगे तो हम जावा सर्वर पेजेस के डिफरेंट पोर्शन देखेंगे जावा सर्वर पेजेस के अंदर कोड कैसे एम्बेड किया जाता है जावा सर्वर पेजेस के अंदर क्या डिफरेंट चीजें हैं जो कि अवेलेबल हैं एक मैं आपको थोड़ी सी चीज यहां पे बताता चलूँ कि ये कॉन्टीन्यूसली स्पेसिफिकेशन जो होती हैं ये इवॉल्व होती रहती हैं जैसे सर्वलेट्स है जी एस पी आया फिर जी एस आया तो ये स्पेसिफिकेशन इवॉल्व होती रहती है और नई नई चीज़ें आती रहती हैं बहुत सारा कोड आपको मिलेगा जो कि पुराने स्टाइल में लिखा हुआ होगा और कोड फिर जैसी जैसी नई चीज़ आएगी उसके स्टाइल में भी होगा तो हमारा एक ऐसी कंटिन्यूटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाए वंस यू नो कि बेसिक क्या चीज़ तो बाकी चीज़ें आप थोड़ा सा रीड करेंगे कि क्या नया फीचर आ गया क्या नई चीज़ आ गई जैसे जेडी के के बाद वन पॉइंट थ्री आई हैं तो हर एक में कुछ फीचर्स एड ऑन हुए बट इफ़ यू नो द बेसिक जाओ यू किन क्विकली पेक के क्या नए फीचर्स हैं तो जेएसपी में भी जैसे जैसे हम आगे इवॉल्व होते जा रहे हैं शुरू में ये आप आज हम कुछ आपको टैग दिखाएंगे कि ये वर्क कहा जाता है जो कि अंडरलाइंग लेवल पर इस्तेमाल कर होता है तो वो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर टच कर रहे हैं और कुछ कॉम्प्रीहेंसिवली भी डिस्कस कर रहे हैं कुछ को लेकिन ये सारी चीज़ें जो है कि आपकी फाउंडेशन क्रिएट करें जिसके ऊपर आप फर्दर उसको बिल्ड कर सकते हैं जावा सर्वर पेजेस के अंदर हम आज देखेंगे कि क्या तरीका है कि इसके अंदर हम अपने कोड को इम्बेड कर सकते हैं इसके क्या डिफरेंट इन्ग्रीडियंट होते हैं क्या डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और किस तरह से ये काम कर रहा होता है किस तरह से हमारी वेब डिजाइन और वेब एप्लीकेशन के ओवरऑल परस्पेक्टिव में जावा सर्वर पेजेस कहाँ आएंगे जावद सरवर पेजेस पे स्टार्ट लेने से पहले आपको कुछ उसके बारे में बताने से पहले मैं जो टॉम कैट की हमारी लेआउट थी उसमें आपको बताता चलूं कि सर्वलेट्स तो आप जाके रखते थे क्लासेस के फोल्डर के अंदर आप जाते थे अपनी एप्लीकेशन के फोल्डर में वहाँ पे आपका वेब डैश आई का फोल्डर होता था उसके अंदर क्लासेस का फोल्डर होता था तो सवलट जाके आप उस क्लासेस के फोल्डर में रखते थे जी पेज के केस में इस तरह की कोई कबाहत नहीं है आप जी पेज को अपनी मेन डायरेक्ट्री में रख सकते हैं उसके अंदर खैर सब डायरेक्ट्रीज भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें और हर एक एच पेज होता है वैलिड एस पेज यू कैन सेव इट विद डॉट जी एक्सटेंशन एज वेल सो अगर आपने एक पेज है जिसमें कोई जाओगर कोड नहीं खाली एच है आप उसको भी डॉट जी की एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं इट्स ऑल्सो अ वैलड जी पेज सो अपने जी एस पेज आप अपनी रूट डायरेक्टरी में जो कि आपकी एप्लीकेशन की थी वहाँ पर आप रख सकते हैं और वहाँ से सारा काम हो सकता है वेब एप्लीकेशन जो होती हैं हमने सर्वलेट बेस्ड एप्लीकेशन देखी हैं अभी हम देखेंगे जी बेस्ड एप्लीकेशन जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़ी होती जाती है टेक्नोलॉजीज मिक्स होना शुरू हो जाती हैं तो आगे जाके जब हम डिज़ाइन पे बात करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मॉडल वन मॉडल टू डिज़ाइन हैं जिसमें सर्वलेट्स और जी को मिक्स करके एप्लीकेशन का डिज़ाइन बनाया जाता है मॉडल व्यू कंट्रोलर पर हम बात करेंगे उसमें आप देखेंगे कि व्यू के लिए जी को यूज़ किया जाता है कंट्रोलर के लिए सर्वलेट को यूज़ किया जाता है मॉडल के लिए फिर एक और चीज आ जाती है बीन्स वगैरह उनको इस्तेमाल किया जाता है तो इन सारी चीजों को भी हम एक्सप्लोर करेंगे तो लेट्स स्टार्ट के जेएसपी क्या है और इसके अंदर किस तरह से चीजें इम्बेट की जाती हैं सो इज अस पी जेएसपी पेज इज अ टेक्सट बेस्ड डॉक्यूमेंट केपेबल ऑफ रिटर्निंग बोथ स्टेटिक एंड डायनामिक कंटेंट टू अर क्लाइंट प्रोसेर तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि एक जी एस पी पेज बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है एक टेम्पलेट होता है स्टैटिक और डायमिक दोनों तरह का कंटेंट ब्राउजर को भेज सकता है स्टार्टिक मैंने कहा कि एच टी एम एल का एक पेज बना लें उसे डॉट जीएसपी की सेव करें तो विल बी ए वैलिड जीएसपी पेज जीएसपी पेजेस कैन इंटरमेक्स स्टैटिकल एज डायमिकायनामिक्स स्टैटिक कॉन्टेंट की अगर हम एग्जाम्पल दें तो एच टी एम एल एक्सएमएल और सिंपल टेक्सट आ जाता है डायनेमिक कॉन्टेंट की एग्जाम्पल लें तो

के सॉफ्टवेयर्स को हम लेयर्स में बनाते हैं और हर लेयर का एक इंडिविजुअल काम होता है तो आप यहाँ पे देखिए कि कॉमन जावा बेस्ड जो एप्लीकेशन है उसके तीन लेयर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं एक प्रेजेंटेशन लेयर है उसके बाद बिजनेस लेयर है उसके बाद डेटा लेयर है ये लेयर्स फर्दर भी ब्रेकअप की जा सकती हैं लेकिन ऑन द प्रलिमिनरी लेवल ये तीन बेसिक लेयर्स होती हैं प्रजेंटेशन लेयर वो लेयर होती है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है सो so, अगर आप एच के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं आपने एम बेस्ड टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई वैल्यू इनपुट किया और बटन दबाया है या स्विंग की कोई एप्लीकेशन है तो उसका जी जो है ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है वो क्लासेस जो के डेटाबेस से या फाइल सिस्टम से या किसी और सिस्टम से इंटरेक्ट करके आपके लिए डाटा को मैनेज करी होती हैं वो सारी जाती हैं डेटा लेयर के अंदर आपको याद होगा कि हमने एक आपको डाटा के लेक्चर देते हुए दिखाया था कि एक क्लास थी जिसके अंदर हमने बिजनेस लॉजिक भी डाली हुई थी और डेटा बेस से भी वहीं पे कनेक्ट किया हुआ था तो वहाँ पे आपको एक गाइडलाइन दी थी कि डेटाबेस बेस की क्लासेस को या डेटाबेस बेस रिलेटेड कोडिंग को हमेशा से आप सेपरेट करें बाकी कोडिंग से एंड दैट सेपरेशन विल बी कोडेड इन सम स्पेशल क्लासेस विच विल बी यूज टू एक्सेस डेटा और इनको जनरली कहा जाता है डाउस डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स सिमिलरली वी हैव बिजनेस लेयर जो प्रोसेसिंग के काम आती है तो अगर हमने यूजर से दो नंबर लेके उनको ऐड करके रिजल्ट डेटाबेस में सेव करना है तो ये प्रोग्राम तो बहुत सिंपल सा हमें भी आपको इसके लिए ज़रूरत नहीं है इन तीन लेयर्स की लेकिन अगर हम इनको तीन लेयर्स पे डिवाइड करें तो कैसे होगा एक क्लास हम बनाएंगे जो कि यूजर से इनपुट लेने के काम आएंगे एंड दैट क्लास विल बी आर प्रेजेंटेशन लेर फिर एक क्लास हम बनाएंगे जिसके अंदर एडिशन का मैथड होगा दैट विल बी आर बिजनेस लेयर अब फिर एक क्लास बनाएंगे जो कि उसका रिजल्ट जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव कर रही होगी दैट विल बी आर डेटा लेयर तो हमेशा अपने कोड को लेयर्स में डिवाइड किया जाता है ताकि उसकी मेंटेनेबिलिटी आसान हो ओवरऑल जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी ब्रेकअप किया जा सके और फिर इसका फ़ायदा ये होता है कि आप देखें कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी कौनसोल से नहीं मुझे स्विंग की जी ओ इनपुट चाहिए तो आपकी बिजनेस लेयर और डेटा लेयर की जो क्लासेस हैं उन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा सिर्फ प्रेजेंटेशन लेर की क्लास चेंज हो जाएगी अगर मैं आपको कहता हूँ कि डेटा मुझे डेटाबेस की बजाय फाइल सिस्टम में रखना है तो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर और बिजनेस लेयर की क्लासेस पे फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि डेटा लेयर की क्लासेस चेंज हो जाएंगी तो इस तरह से हम अपने सॉफ्टवेयर को ओवरऑल ब्रेक करते हैं डिफरेंट लेयर्स में तो ये हमने देखा है कि ओवरऑल एक जे टू डब्ल्यू बेस्ड हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट लेयर्स होती हैं और उनमें किस तरह से वो आपस में क्या क्या इंट्रैक्ट करती हैं किस लेयर का क्या पर्टिकुलर काम होता है बहुत ब्रीफली हमने इसको डिस्कस किया है प्रेजेंटेशन लेयर पे बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यूज़र को इंटरेक् यूजर से इंटरेक्शन के काम आती है शुरू में जब हमने कोर्स शुरू किया था तो हमने यूजर से इनपुट ली थी कॉन्सोल के थ्रू तो वो क्लासेस जो कि यूजर से कॉन्सोल के थ्रू इनपुट ले रही थी वो हमारी प्रेजेंटेशन ले थी फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम आगे जी बेस्ड इनपुट पर स्विंग के कॉम्पोनेट्स के थ्रू हमने इनपुट ली और वह हमारी प्रजेंटेशन लेर बन गई अब जब हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर पे जैसे हमने जी ओई बेस्ड एप्लीकेशन की बात की तो प्रेजेंटेशन लेयर पे जावा ने एक स्पेशल टाइप के कॉम्पोनेट्स दिए जो कि स्विंग की लाइब्रेरी में थे सिमिलरली जब हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जावा अगेन कुछ स्पेशल टाइप की क्लासेस देता है स्पेशल टाइप के कॉम्पोनेट्स देता है जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन लेयर बनाने के काम आते हैं दिस कॉम्पोनेट्स कैन बी यूज टू इंटरेक्ट विद द यूजर थ्रू इट्स थ्रू हिज और हर ब्राउजर दिस इज द द वेब दिस इज प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन So, let us see what are the different components that are present in a web tier or a presentation tier of a typical J2W based application. Generally, we term use the term web tier. Generally, is our presentation tier, we have a web server so, That is why it is also known as web tier in a web based application. So, let us see what are the different components that are present in a typical web based application in a typical J2W based web based application. So, let us see. तो इन जावाड वेब एप्लीकेशन द प्रजेंटेशन और वेब टीयर कैन कम्पोज ऑफ द फॉलोइंग जावा सर्वलेट हमने देखा है कि जावाद सर्वलेट के अंदर से हम एच टी एम एल जनरेट करा सकते हैं और वह एच टी एम एल जो है वो यूजर को नजर आती है जावाद सर्वर पेजे वी विल जाव सर्वर पेजेस क्या होते हैं किस तरह से काम करते हैं सिमिलरली देर इज अनदर सेज द न्यूजिंग फेस ऑफ जावाट इज जावास हम कोशिश करेंगे कि अगर हम इस पर कुछ आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे सकेंगे दीज आर प्रटी ईजी कॉम्पोनेट्स उन्होंने ओवरऑल काम को फर्दर आसान कर दिया है मुश्किल करने की बजाय तो कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास टाइम हुआ तो एंड में इस पर भी कुछ लेक्चर्स आपको दें एंड दैन देर इजा सर पेजेसर्ड टैग लाइब्रेरी मोर ऑफ एट तो जावास जी एस एफ जी एस टी वगैरह जो हैं ये हमारे वेब टीयर के कॉम्पोनेट्स हैं अब यहाँ पे हमने जावा सर्वर पेजेस पे बात की हमने देखा कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन टियर होता है वेब टियर होता है जो कि यूज़र से इंटरेक्ट करने के काम आता है और उस, उस टियर के अंदर हमारे जी पेजेस भी आते हैं हमने बार बार यहाँ पे डिस्कस किया कि जी पेज हमेशा जी एस पेज जो होता है वो एक सर्वलेट के इक्वलेंट होता है तो इसीलिए जब भी आपका कोड कंपाइल होता है तो जी पेज से एक सर्वलेट बना दिया जाता है मैं चाहूँगा कि हम ये देख लें कि ये सारा काम क्या होता है एक फिगर के अंदर देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जी पेज वही काम करता है जो कि एक सर्वलेट करता है तो आपका वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है एक जी पेज को सो जी एस पी सोर्स यहाँ पे वो नजर आ रहा है आपके वेब सर्वर की अब बारी आ गई वेब सर्वर जो है उस जी सोर्स को पार्स करता है फॉर दैट इट यूज सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट विच इज जी पार्सर तो जी की पूरी फाइल को पढ़ता है उसमें से जी का कोड अलहदा करता है जावा का कोड अलहदा करता है एच का कोड अलहदा करता है जो जावा का को डा करता है उसको वो एक सर्वलेट की क्लास में इंसर्ट कर देता है किस किस प्लेस में इंसर्ट कर देता है विल सी अबाउट डेट सो जावा सोर्स को जो अलग हो जाता है वो सर्वलेट की क्लास के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया जाता है अब वो एक सर्वलेट बन गया है सर्वलेट को जावा कम्पाइलर के थ्रू कंपाइल करके एक जी सर्वलेट की क्लास फाइल बन जाती है और जी सर्वलेट की जो क्लास फाइल बनती है इसके अंदर वो दोबारा से वेब पेज की जो एस होती है वो इंसर्ट कर दी जाती है और ये रिजल्ट यूजर को भेज दिए जाते हैं सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो JSP के अंदर आपने जावा का कोड लिखना है वो एवंचुअली एक जावा की क्लास फाइल के अंदर निकाल के डाल दिया जाएगा इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम JSP पेज बनाते हैं तो इसमें जरा जावा का कोड स्टार्ट होने लगता है तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल काम करते हैं वी विल टेल यू कि वो स्पेशल काम क्या होता है वो जहाँ पे हमारे JSP पार्सर को वो स्पेशल काम हुआ हुआ नजर आता है वहाँ से वो जावा का कोड उठाता है और उसको एक जावा की क्लास फाइल में खुद से डाल देता है और वो सारा कंपाइल हो जाता है जो वेब सर्वर का बॉक्स आप बना देख रहे हैं ये सारा काम वो है जो कि आपको नज़र आए बगैर पीछे से ऑटोमेटिकली हो रहा होता है आप सिर्फ एक जी पेज बनाते हैं और आपके यूजर को सारा काम नज़र आना शुरू हो जाता है ये जी पार्सर है जावा सोर्स है जावा कम्पाइलर है जी सर्वलेट है ये सारा काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती आपका वेब सर्वर आपके लिए कर रहा होता लेकिन जस्ट आपको पता हो कि असल में क्या काम हो रहा था तो उसके लिए हमने आपको यह दिखाया है तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉटेंट चीज़ जो आप यहाँ से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो ये कि क्योंकि हर JSP एस पी पेज ने एक सर्वलेट ही बनना है इसे जो काम सर्वलेट कर सकता है वही काम JSP एस पेज कर सकता है दोनों एग्जैक्टली exactly एक जैसे काम ही कर सकते हैं डिफ्रेंस क्या है कि एक में जवा लिखनी आसान है एक के अंदर एच लिखनी आसान है और इसके अलावा जी एस डिफरेंट बेनिफिट्स जो है कि कन्वीनियंट टूल We can also use all the features of Servlet API. So we can track session, we can manage cookies, we can read and send HTML headers, we can parse and decode HTML form data. Everything that we used to do in Servlet, we can do it in JSP page as well. It's very efficient the way Servlet is because every Servlet is handled by a thread. Similarly, a JSP page will be handled by a thread. It's not a separate process. Similarly, JSP pages are portable because JSP page is a Java ki class file, becomes a Java ka Servlet. Ban jata hai. इन जवाब बाई इट्स ओन नेचर इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज हर सिस्टम पर वो चल सकती है सो जी एस पी पेज भी पोर्टेबल है ये नहीं होगा कि आपने विंडोज पेज सिस्टम पर एक जी एस पी पेजेस बना दिए हैं तो लाइन एक्सपे नहीं चलाएंगे वहां पर भी चल जाएंगे इट्स इन एक्सपेंसिव बिकॉज देर आर नंबर ऑफ फ्री और इन एक्सपेंसिव वेब सर्वर दैर आर गुड फॉर कमर्शल क्वालिटी वेबसाइट्स तो बहुत सारे आप देखेंगे कि कमर्शल क्वालिटी के ओपन सोर्स में एज ए फ्री सोर्स आपको वेब सर्वर्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन सर्वर्स मिल जाएंगे फॉर एग्जाम्पल दिखाता टॉपलेट इज वेरी गुड वेब सर्वर एंड इट्स ओपन सोर्स वेब सर्वर यू कैन एक्चुअली डेवलप यू कैन एक्चुअली टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वेब सर्वर आप इसको यूज भी कर सकते हैं सिमिलरली देर आर अदर एप्लीकेशन सर्वर विच आर ऑल्सो अवेलेबल टू एस बहुत सारी आईडीज हैं आपने इस कोर्स में देखा होगा कि हमने जो आपको आईडी यूज करवाई हैं दिज आर फ्री आप यूज़ कर सकते हैं इसकी कोई लाइसेंसिंग कॉस्ट नहीं है दीज आर वेरी गुड आईडीज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स हैं जैसे कि आप इसमें यूज़ भी कर रहे हैं अपने कोड को कंपाइल करने के लिए तो बहुत सारा मटेरियल जो है ये जावा से रिलेटेड ये इस कम्युनिटी में आपको फ्री में मिल जाएगा तो जो होता है एक्चुअली सॉफ्टवेयर डिवेलप करने की लाइसेंसिंग कॉस्ट जो होती है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है और ये बहुत अच्छी मैटर करती है वेन यू वर्किंग विद योर क्लाइंट्स विच आर नाट लोकल टू दिस कंट्री बाहर के क्लाइंट्स के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहां पर हर चीज़ का लाइसेंस लेना होता है उन्हें और हर चीज़ की लाइक लाइसेंसिक कॉस्ट होती है सो so अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहे हैं जिसने इवेंचुअली ऐसे सर्वर्स पे या ऐसी चीज़ों पर चलना है जिनकी कोई लाइसेंसिंग कास्ट नहीं तो दैट इज अ गुड कॉस्ट रडिंग फैक्टर फॉर देम एंड प्रेफर दिस टेक्नोलॉजी एज वेल तो ये थोड़ी सी हमने बात की कि इन एक्सपेंसिव भी होते हैं बार बार हम यहाँ पे अब थोड़ा सा वापस हम चलते हैं अपने JSP पेजेस की तरफ बार बार हम यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि JSP में जरा लिखना बड़ा कन्वीनियंट है HTML वगैरह को कर, लिखना बड़ा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू सेवलेट्स मैं चाहूँगा कि हम एक थोड़ी सी कोड एग्जांपल देखें एक छोटा सा सेवलेट लेते हैं और एक छोटा सा जी लेते हैं और दोनों का को कोड कंपेरिजन ज़रा करके देखें दोनों एक ही काम कर रहे हैं और वो क्या काम कर रहे हैं कि जो करंट डेट है उसको डिस्प्ले करा रहे हैं उसको यूजर के सामने डिस्प्ले कराना है लेट्स so, सी के जेएसपी के लिए कितना कोड करना पड़ रहा है और एक सर्वलेट लिखने के लिए हमें क्या कुछ कोड करना पड़ रहा प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमने करंट डेट डिस्प्ले करानी है सामने स्क्रीन पे सिंपल जेएसपी पेज डिस्प्लेइंग करंट डेट जो पेज के ऊपर आप स्टार्ट में देख रहे है परसेंट का एक आप टैग देख रहे हैं और उसके बाद एट द रेट का सिंबल के बाद लिखा हुआ है पेज इम्पोर्ट इक्वल्स टू जावर डॉट यूटेल ये पेज डायरेक्टिव है वी विल डिस्कस मोर अबाउट दैट सो ये एक ऐसी लाइन है जो कि जी पेज के अंदर होती है उसके बाद आप देखेंगे आपकी रेगुलर एच स्टार्ट हो गई है यू कैन क्रिएट दिस एच यूजिंग एनी गुड एच एडिटर और उसके बाद आप देखेंगे हमने लिखा है करेंट डेट इज फिर कुछ परसेंट का टैक्स स्टार्ट हो गया जहाँ पे परसेंट के टैक्स स्टार्ट होंगे वहाँ पे आप समझ जाए कि, कि कुछ जावा रिलेटेड काम होने लगा है तो ये जी पेज का कुछ स्पेशल पोर्शन है जिसने इवेंचुअली जावा के कोड में इंसर्ट होना है तो वहां पे आप देखिए इक्वल टू हमने लिखा हुआ है न्यू डेट जावर डॉट ट्यूटर पैकेज के अंदर एक डेट की क्लास होती है तो हमने उसके यहाँ पे न्यू डेट एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ये खुद ही इस डेट को प्रिंट कर देगा तो यू कैन सी कि बहुत सिंपल कोड इज दिस कि एक एच टी एम पेज और उसके अंदर सिर्फ एक डेट हमने लिख छोड़ी है अब आइए जरा इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्वलेट का कोड देखते हैं इम्पोर्ट करने पड़े चारिफरेंट पैकेजेस यहाँ पे सिर्फ एक यही था हमने अपनी क्लास स्टार्ट किया प्रॉपर पब्लिक क्लास माइ सर्वलेट एक्सटेंड एस टी टीपीट दैन पब्लिक वो गेट वाला सारा पार्ट आया है फिर प्रिंट राइटर लिया है रिस्पॉन्स की कॉन्टेंट टाइप भी सेट कर सकते हैं हम यहाँ पे उसके बाद हमने देखें कि अपनी एच टी एम एल जनरेट करनी शुरू की है आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम घुसे हैं और हमने एच टी एम एल जनरेट करनी शुरू की है बार बार डबल कोर्ड्स कहीं आ रहे हैं कहीं पर कंकैटिनेशन के लिए प्लस को इस्तेमाल करना पड़ रहा है फिर तो उसके बाद हमने अपनी ये सारी न्यू डेट प्रिंट की है आउट को क्लोज किया है और अपना सर्वलेट क्लोज किया है सो यू कैन वेरी वेल कंपेयर कि ये कोड जो है कि सामने ये मल्टीपल स्लाइड्स पर आ रहा है और वो जी एच पी का कोड एक छोटा सा कोड है तो यू कैन सी हाउ सिंपल इट इज टू यूज जी एस पी राइट गुड एच टी एम एल मिक्स विदा एंड इट्स फॉर अ सर्वलेट टू जनरेट एच टी एम एल आउटपुट तो हमने ये देखा कि, कि हमारे सामने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हुआ है कि एक छोटा सा हमने काम करना था सिर्फ डेट डिस्प्ले करानी थी एंड इन अ सर्वलेट इट टूट ऑफ सिंपल जॉब बट इन केस ऑफ ए जे एस पी डेट वॉज वेरी सिंपल सो लेट्स सी कि ये एस ये सारे काम कैसे करते हैं हम बहुत सारे काम कैसे कर सकते हैं एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोबारा रियाट्रेट कर दूँ कि आपने देखा हमने परसेंट के सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं जे के जैसे जैसे नए वर्जन या नई स्पेसिफिकेशन आ रही हैंटेक्स को प्रेफर किया जा रहा है इसके ऊपर या कुछ एक्सप्रेशन लैंग्वेज भी अब तो आ रही है अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक पीछे से बैकग्राउंड इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारा कोड लोगों ने इस पार इस तरह से डेवलप किया हुआ है और बहुत सारा कोडअप जो नया डेवलप हो रहा है वो दूसरे तरीकों से भी डेवलप हो रहा है शुड नो कि पीछे से क्या है ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई 10 साल पुरानी चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर दी है ये सारा काम जो है पिछले से दो तीन चार साल के स्पैन में यह सारा हो रहा और होता चला जा रहा है तो इसलिए कोई भी इनमें से आव, बहुत आउटडेटेड नहीं है जो नई डेवलपमेंट हो रही है वो ऑफकोर्स नए सिंटेक्स के साथ हो रही जो बहुत सारी इतनी सारी दुनिया में वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन चल रही है पहले से बने हुए पुराने सेंटेक्स के साथ चल रहे हैं तो एज ए डेवलपर यू शुड नो कि दोनों क्या है बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है सो विल डिस्कस बोथ बहुत यहां अब हम चीज डिस्कस करेंगे कि हमने एक जीएसपी पेज देखा तो है आइए देखते हैं कि जीएसपी पेज के क्या डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स में हम क्या कुछ लिख सकते हैं सो लेट्स डिस्कस द इनग्रीडियंट्स ऑफ अ टिपिकल जीएसपी पेज जीएसपी पेज के इनग्रीडियंट्स में बिसाइड एच टी एम एल जीएसपी मे कंटेन फॉलोइंग एलिमेंट्स सबसे पहले तो आ जाते हैं डायरेक्टिव एलिमेंट्स व्हिच प्रोवाइड द ग्लोबल कंट्रोल ऑफ जी एस सो अगर आपने कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी हो अपने वेब सर्वर को आपने कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन देनी हो कुछ ग्लोबल कंट्रोल से देना हो यागे आपको समझ आएगी कि क्या हम बात करें जैसे कि हमने अभी पीछे आपको एग्जाम्पल में दिखाया कि हमने इम्पोर्ट करना था वो इम्पोर्ट जो है वो इंटायर जावा क्लास के लिए है तो उसके लिए हम डायरेक्टिवस का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टिवस की पहचान क्या है या आइडेंटिफिकेसन क्या है कि परसेंट टैग एक स्टार्ट होगा आप देखेंगे यहाँ पे जो भी टैग है वो स्टार्ट होगा परसेंट से और उसके अंदर एट द रेट का सिंबल होगा उसके साथ बिल्कुल तो परसेंट ऐट द रेट के सिंबल के साथ ये स्टार्ट होगा और इसी तरह परसेंट टैग के साथ ये एंड end होगा एंडिंग टैग यहाँ पे देने जरूरी होते हैं सो डायरेक्टिव एलिमेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए एक आपने अभी देखा कि इम्पोर्ट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया था जब आगे जाके हम डायरेक्टिव एलिमेंट्स की डिटेल देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इनके और क्या इस्तेमाल है देन देर आर वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रप्टिंग एलमेंट्स विल सी स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स शॉर्ट स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स में क्या है कि आप जी के अगर हमें कमेंट्स देने हैं तो आप कैसे देंगे कि पर्सन और डबल डैश फिर डबल डैश और पर्सन की वो कमेंट्स हैं जो कि यूजर को विजिबल नहीं होंगे आपके अपने जी पेज के लिए आप जीएसपी पेज के अंदर एच बेस्ड कमेंट्स भी दे सकते हैं जो कि यूजर को नजर आ रहे होंगे सिमिलरली डिक्लेरेशन आपने करनी है कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं कोई मेथड डिक्लेयर करने हैं तो उसके लिए हमारे पास डिक्लेरेशन का टैग होता है परसेंट के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप देख रहे हैं फिर परसेंट के साथ क्लोज हो रहा है एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास परसेंट इक्वल टू का टैग है ये किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है सो जावाड फ्रेगमेंट विचर्न स्ट्रिंग कैन बी पुट इन दिस एक्सप्रेशन टैग देर आर स्क्रिप्ट लेट्स खाली पर्सन टैग स्टार्ट हो रहा है और परसेंट टैग एंड हो रहा है और उसके अंदर आप जावा कोड लिख सकते हैं यह सारा कोड जो होता है ये जहाँ इस परसेंट टैग मिलता है आपके जी एस पी पार्सल को वो इस कोड को उठा के कॉरस्पोंडिंग एक क्लास में इंसर्ट करता है जो कि हम साथ, साथ आपको दिखाते रहेंगे कि कहाँ वो इसको इंसर्ट करता है कॉरस्पॉन्डिंग क्लास में इंसर्ट करता है इसका सर्वलेट बनाता है और यही सारा कोड होता है जो उस सर्वलेट में चला जाता है तो ये जो जीएसपी के डिफरेंट टैग थे एक और जो जीएसपी के इंग्रीडियंट्स जीएसपी टैग डिस्कस मोर अबाउट दैट एज वी मूव टू एक्शन एलिमेंट्स तो ये जीएसपी के कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो हमने देखे हैं तो हमने जी के अंदर देखा कि हम डिफरेंट टाइप की चीजें इंसर्ट कर सकते हैं पेज डायरेक्ट डायरेक्ट हो सकते हैं स्क्रिप्टिंग एलिमेंट हो सकते हैं एक्शन हो सकते हैं हम इन चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इसक्रिप्ट स्क्रिप्टिंग एलिमेंट है उनको डिस्कस करें चार डिफरेंट टाइप के हमने स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स देखे हैं कमेंट्स हैं उसमें एक्सप्रेशन एक्ष्परे, हैं उसमें कोड के स्क्रिप्टलट्स हैं उसमें डिकलेशन है तो ये चार डिफरेंट हमारे पास स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स हैं वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं कि इन्हें कैसे कर सकते हैं फिर एक एग्जाम्पल में इनको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये इस्तेमाल हुए हुए हैं तो टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स कैन बी यूज इन जी एस पी एच टी एम एल कमेंट कमेंट इज इन अ ब्राउजर ये वाला वो कमेंट है जो कि आप पहले भी देते हैं कि एच का कमेंट है एंड इट विल बी विजिबल टू द यूजर वी कैन ऑल्सो यूज जी एस पी कमेंट्स आर्दीज कमेंट्स आर नॉट विजिबल इन द ब्राउजर और इसको कैसे लिखते हैं कि आप परसेंट और डैश डैश डाल के अपना कमेंट लिखेंगे फिर डैश डैश डाल के परसेंट साइन के साथ क्लोज कर देंगे कमेंट के बाद दूसरी चीज आती है दैट इज एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ये है कि आप परसेंट के बाद इक्वल्स तो डालते हैं और अपनी जावा एक्सप्रेशन लिख देते हैं और फिर परसेंट साइन के साथ इसको क्लोज कर देते हैं अब ये करता क्या है जावा का जो एक्सप्रेशन टैग है करता ये है कि जो भी इसको एक्सप्रेशन दी जाती है इट इवेल्यूएट दैट एक्सप्रेशन एंड कन्वर्टेड इन टू आपको याद होगा कि अगर हमें सर्वलेट से कुछ आउटपुट कराना होता था तो हम आउट डॉट प्रिंट एलन करते थे तो ये जो स्ट्रिंग बनाएगा ये ऑटोमेटिकली यूजर को डिस्प्ले हो जाएगी सो वी कैन पुट एनी जावा एक्सप्रेशन टू एट विच बी कन्वर्टेड इनटू टू स्ट्रिंग एंड विलप्लेट टू द यूजर अब उसमें आप देखिए टाइम परसेंट इक्वल टू न्यूज डॉट यूट डॉट डेट हमने किया और परसेंट टैग को क्लोज किया तो आप ये देखें कि ये जो भी डेट होगी इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्ट्रिंग में और ये यूजर को डिस्प्ले कर दी जाएगी सिमिलरली ट पैरामीटर नेम के जो भी नेम की वैल्यू होगी पैरामीटर नेम के अंदर वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी तो एक्सप्रेशन टैग किसी भी जावा एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और यूजर को डिस्प्ले कर देता है एक्सप्रेशन टैग लिखते हुए ख्याल रखियेगा कि जो भी चीज आप लिखे वो कन्वर्टेबल टू स्ट्रिंग होनी चाहिए जो कि जर्नली होती है सारे पेराटर टाइप जो होते हैं उनको खुद ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया जाता है और हर ऑब्जेक्ट के साथ टू स्ट्रिंग मैथड बाई डिफॉल्ट अवेलेबल होता है नेक्स्ट हमारा स्क्रिप्टिंग एलिमेंट जो है वो है परसेंट जावाकोड परसेंट स्क्रिप्टलेट है हमारा स्क्रिप्टलेट के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं स्क्रिप्टलेट एक्चुअली अ वेरी पावरफुल स्क्रिप्टिंग एलिमेंट इनपुट योर इंटायर जावा कोड इन साइड दिस स्क्रिप्टलेट अगर मैं आपको सवलेट के साथ इसकी मैपिंग थोड़ी सी समझाऊं तो जो एक्सप्रेशन टाइप था वो सवलेट के अंदर जो आप आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं वो उसके बराबर आप समझने के ये जो स्क्रिप्टलेट है परसेंट जावा कोड पर्सन जब इस जी एस पी से सर्वलेट बनाया जाएगा ना तो सर्वलेट के जो डू गेट या डू पोस्ट या आप जब हम जो आई डी यूज कर रहे थे उसके अंदर जो प्रोसेस रिक्वेस्ट का मैथड था उसके अंदर जो कुछ आपने लिखा होता ना उस मैथड के अंदर यू कैन पुट डाट कोड ओबर हेयर सो पर्सेंट डाल के आप जावा अगर जो भी कोड लिखेंगे डाट कोड विल बी शिफ्टेड टू डू गेट या डू पोस्ट या इस तरह के किसी मैथड में एक्चुअली एक और मैथड होता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके अंदर यह सारा कोड इंसर्ट कर दिया जाएगा सो यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ जावा कोड इन साइड अ स्क्रिप्ट लेट एंड दैट कोड विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ मैथड इन अ कोरस्पॉन्डिंग सर्वलेट और जो भी आप जावा फाइल होगी उसके अंदर सो लेट सी एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्रिप्ट लेट टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम ये देखिए ये रिक्वेस्ट डॉट पीछे सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर था जब हमने एक्सप्रेशन टैग यूज किया था उसने इसको स्ट्रेंग में खुद ही कन्वर्ट किया था यहाँ पे पूरी एक जावा की लाइन है उसके एंड में आप सेमी कोलन भी देख सकते हैं यहाँ पे आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं जैसे मैं लिख दूं कि फॉर एंट आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन सम नंबर आई प्लस प्लस और उसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करा दूं. तो फॉर लूप लूप इफ एल्स यू कैन राइट एनी थिंगेयर तो जैसे यहाँ पे एक्साम्पल दी हुई है पैरामीटर नेम नेम तो हम नेम वाले पैरामीटर की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसको एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में रख रहे हैं और आप सेमीकोलन देख सकते हैं इसके एंड में कि हमारे पास प्योर जावा का कोड है इसके बाद हमने आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर इसको प्रिंट कर दिया ये आउट कहाँ से आ गया प्रिंट राइटर तो हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया वो हम आपको बाद में समझाएंगे आउट डॉट प्रिंट एलन जो है ये हमारे पास कोड को प्रिंट करने के लिए यूज होगा एलिमेंट so, डिक्लेरेशन का सिंबल के बाद साइनिफिकेशन डालते हैं Then you write your और उसके बाद परसेंट का टैग क्लोज कर देते हैं ये वाला जो कोड होता है जैसे सवल में आप डू गेट डू पो से बाहर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करें कुछ क्लास लेवल के ऊपर अगर आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं ये कोई नया मेथड बनाना है डू गेट डू पोस्ट वगैरह तो ऑलरेडी बने होते हैं ना आपने कोई नया मेथड बनाना है जैसे मैं मेथड बनाना चाहता हूँ पब्लिक वर्ल्ड ऐड तो वो सारी जो डिक्लेरेशन है मैथड की डिक्लेरेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज द डरेशन ऑफ वेरिएबल्स वो सारी की सारी ये डिक्लेरेशन टैग में जाएंगी तो ये हमारे पास चौथा स्क्रिप्टिंग एलिमेंट था डिक्लेरेशन का नीचे आप इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि

टू डिक्लेयर डिफरेंट वेरिएबल्स एज वेल एज मैथड्स तो आप क्लास लेवल पर जो चीज़ें डिक्लेयर करते हैं जैसे क्लास लेवल पर आपने इंटीजियर फ्लोर वगैरह वे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं या मैथड्स की डेफिनेशन जिस तरह से देते हैं हम वो सारी की सारी डिक्लेरेशन जो होती हैं दे विल बी पुट इन टू द डिक्लेन टैग तो डिक्लेरेशन टैग जी एस पी पेज के अंदर वो टैग होता है जहाँ पर हमने अपनी चीज़ें डिक्लेयर करनी होती हैं उन चीज़ों का स्कोप क्या होता है ये क्लास लेवल का स्कोप होता है अच्छा अब उसके बाद आ जाता है हमारा स्क्रिप्ट प्लेट

यू वॉन्ट टू राइट अ फॉप फेल स्टेटमेंट लिखनी है वो आप लिख सकते हैं तो हर तरह का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं जब हर तरह का जावा कोड में लिख सकता हूँ तो क्या मैं वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ फर्क क्या होगा इस वेरिएबल डिक्लेरेशन में और जो डिक्लेयर वो जो डिक्लेरेशन वाला टैग के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया यानी कि पिछला वाला जो मैंने टैग बोला उसमें और इस टैग के वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस होगा जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि वो वाला जो जावा का डिक्लेरेशन वाला जी का डिक्लेशन वाला टैग था उसके अंदर आप जो चीज़ें डिक्लेयर करते हैं उनका स्कोप क्लास लेवल का होता है जो आप स्क्रिप्टलेट के अंदर चीज़ें डिक्लेयर करेंगे द स्कोप फॉर दो वेरिएबल्स विल बी लेवल एक मैथड के अंदर वो चीज़ें इंसर्ट होती हैं तो वो वेरिएबल लोकल होगा टू दैट मैथड जो डिक्ले डिक्लेशन वाले टैग के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे दैट विल भी अवेलेबल फॉर द एंटायर क्लास तो ये एक डिस्टिंक्शन है जो आपने याद रखनी है फिर हमारे पास आ जाते हैं एक्सप्रेशन टैग एक्सप्रेशन टैग जो है वो हमने देखा है कि इट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट जावा एक्सप्रेशन इनटू अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्लेट टू द यूजर सो आउट डॉट प्रिंट टैलेंट की तरह काम एक्सप्रेशन पहले वैल्यूट होती है कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रिंग में यूजर को डिस्प्ले कर दी जाती है दैन वी हैव कमेंट्स वी कैन राइट टू काइंड ऑफ कमेंट्स सिम्पल एच कमेंट्स होंगे कर लिख सकते हैं जो कि, कि किसी भी स्टेबल पेज में आप लिख सकते हैं जी एस पी पेज की उसके लिए कोई जरूरत नहीं है एंड दीज कम्स विल भी विजबल टू द यूज़र एंड देर देर इज अदर काइंड ऑफ कमेंट्स विच आर जी एस पी कमेंट्स जो कि आप लिख सकते हैं देट वॉन्ट बी अवेलेबल टू द यूज़र वो आपकी अपनी यादाश्त के लिए आपकी अपनी मेमोरी के लिए कि आप जब दोबारा इस जी एस पी पेज को खोलें कोड में कोई चेंज करने के लिए मैंटेनेंस के पर्पज के लिए टैन यू नो कि ये मैंने क्या काम किया था तो JSP पेज के जो इनिशियल इंग्रेडिएंट्स थे उनमें से हमने स्क्रिप्टलेट्स को उसमें स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स को डिस्कशन उनके ऊपर की है लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता तो हूँ कि बात तब जाके बनती है जब इसको जरा कोड में देखें तो हम आपके लिए एक एग्जांपल दिखा रहे हैं जिसमें बहुत सिंपल से एग्ज़ाम्पल यूजल हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स को सिंपल रखते हैं कि दो नंबर लेंगे उनको ऐड करके उनका रिजल्ट दिखा देंगे ये सारा काम हो रहा होगा जी के अंदर सो so, डिक्लेशन भी आ जाएगी जब दोनों नंबरों को ऐड करना इसका तो सीधा साहब प्लस करके भी कर सकते हैं लेकिन जैसे आपको सिंपली इसलिए कि आपको डिकलेशन टैग का यूज नज़र आ जाए हम एक मेथड डिक्लेयर करेंगे उस मेथड के अंदर दोनों नंबरों को ऐड करेंगे स्क्रिप्टल्ट के अंदर हम यूजर से कुछ जो यूजर ने दोनों नंबर दिए होंगे उनको गेट करेंगे अच्छा एक चीज़ हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक एक्सप्लेशन में नहीं आई हुई है कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आउट कि हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया तो JSP पेज के अंदर हम आगे जाके बात करेंगे ऑब्जेक्ट जो पेज से बने पड़े होते हैं नॉर्ट क्लियर में हम जाके आगे पूरी लिस्ट देखेंगे लेकिन फॉर द टाइमिंग रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हमें बना बनाया मिल जाता है रिस्पांस का ऑब्जेक्ट मिल जाता है आउट का ऑब्जेक्ट मिल जाता है सेशन का मिल जाता है वैसे यूजर जैसे सर्वलेट में करते आए हैं सो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर हम यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट द पैरामीटर फ्राम द यूजर जो भी यूज़र ने इनपुट की थी तो हम अपने स्क्रिप्टल्ट के अंदर यूज़र के पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करेंगे उसको उस मेथड में पास कर देंगे जो कि हमने डिक्लेरेशन के अंदर डिक्लेयर किया होगा उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम एक एक्सप्रेशन टैग के थ्रू आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे बहुत और तरीक़ों से भी डिस्प्ले किया जा सकता है ताकि आपको डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल आ जाए डिफेंट चीज़ों का यूज़ नजर आ जाए इसलिए हम जरा इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के करेंगे तो आइए ज़रा कोड में देखते हैं कि दो नंबर्स को एड करके डिस्प्ले कराना रिजल्ट जी में यह काम कैसे होगा स्क्रीन पे आप हमारी आईडी देख रहे हैं जिस पे हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका नाम रख रखती है स्क्रिप्ट एग्जाम्पल उसके प्रोजेक्ट के अंदर जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे तो आप इसके अंदर दो वेब पेजेस अपने ऐड कर दें तो वेब पेजेस वाली डायरेक्टरी पे आप आके या प्रोजेक्ट वाली डायरेक्टरी पे आप आके राइट क्लिक करेंगे न्यू करेंगे आपके पास जो मेन्यू है उसमें से आप JSP पेज ले लें हमारे अपने पहले जो JSP है उसका नाम हम रख देते हैं फर्स्ट फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आपने स्टैंडर्ड सिंटेक्स यूज करना है या XML बेस्ड सेंटेक्स यूज़ करना है एक्सएमएल बेस्डेक्स आप यूज करेंगे तो फिर उसके अंदर आपको हर चीज़ XML की फॉर्म में ही लिखनी पड़ेगी वो आगे जाके आप देखेंगे क्या सिंटेक्स होता है सो वी आर यूजिंग द स्टैंडर्ड सिंटेक्स जो कि इस तरह की स्क्रिप्ट भी ले लेता है एक्सएमएल भी एक्सेप्ट कर लेगा इसको हम अपने फर्स्ट डॉट जी एस पी पेज को बनाने के बाद इसको फिनिश करते हैं और सेकेंड डॉट जी एस पी पेज भी बना लेते हैं यहाँ पे अब फर्स्ट डॉट जी एस पी भी हम आते हैं और इसके अंदर आके आप देखें कि हमारी ये एच टी एम एल स्टार्ट हो गई है एस टी एम एल के अंदर हमारे पास एक हेडिंग है एंटर टू नंबर टू सी दियर सम इस हेडिंग के बाद हमारा फॉर्म का टैग स्टार्ट हो गया है ये बेसिकली हमारा वो जी एस पी पेज है जो कि यूजर से इनपुट ले रहा है अब देखेंगे इसकी एक्सटेंशन हमने जीएसपी रखी है लेकिन इसमें कहीं भी आपको जावा का कोड नजर नहीं आ रहा होगा तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जरूरी नहीं है कि जावा का कोड हो तो भी कोई पेज जीएसपी होगा खाली एस वाले पेज को भी आप डॉट जीएसपी की एक्सटेंशन से सेव से कर सकते हैं तो हमारे पास फॉर्म हमने एक डिक्लेयर किया है जिसका नाम है माई फॉर्म और एक्शन में हमने दे दिए सेकेंड डॉट जीएसपी हम एक ही जीएसपी में रह के भी सारा काम कर सकते थे लेकिन यहाँ पे हमने

क्लोज कर दिया है इस JSP पेज में यूजर दो नंबर देगा और सबमिट का बटन प्रेस कर देगा जो चीज यहाँ से आपने याद रखनी है वो ये है कि नम वन और नम टू हमारी दोनों इनपुट फील्ड के नाम है और इसके बाद हम सेकेंड डॉट जीएसपी पे चले जाएंगे। सेकेंड डॉट जीएसपी में हमने JSP के सारे स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स इस्तेमाल करने की कोशिश की है टॉप पे आप देखेंगे हमारी एस टी एम एल स्टार्ट हुई है, HTML का है में हम का लिखा है इसके बाद हमने अपना जीएसपी का कमेंट दिया है डिक्लेरेशन का और उस कमेंट के बाद हमने अपना जो डिक्लेरेशन वाला स्क्रिप्टिंग एलिमेंट वो स्टार्ट कर दिया है डिक्लेरेशन वाला स्क्रिप्टिंग एलिमेंट आपको पता है कि स्टार्ट होता है की पर्सन टैग के बाद साइन ऑफ एक्सक्रिमिनेशन से टैग so, डाला है साइन ऑफ एक्सक्रिमिनेशन डाला है उसके बाद हमने एक इंटीजर दिया है जिसका नाम है रिजल्ट और उसके बाद हमने एक मेथड डिक्लेयर किया है पब्लिक इंट सम और उसके अंदर दो इंटीजर्स जा रहे हैं और उनका सम रिटर्न कर रहा है तो डिकलेन टैग के अंदर यू कैन राइड एनी कोड विच इज यूज फॉर डिक्लेरेशन सच इज वेरिएबल और मैथडरेशन टैग जहां पर खत्म होता है उसके बाद हमारे दोबारा जी कमेंट्स आ गए हैं जो कि इंडिकेट करें कि हमारा एक स्क्रेपलेट स्टार्ट हो रहा है स्क्रिप्टल्ट के अंदर हम करेंगे क्या कि जो फर्स्ट डॉट से दो वैल्यूज रिसीव हो रही हैं उनको रिसीव करेंगे कन्वर्ट करने के बाद इंटीजर में मेथड में पास कर देंगे तो आप देखें कि डॉट गेट पैरामीटर नम वन नम वन हमारी फील्ड का नाम था जो हमारे फर्स्ट डॉट पे इनपुट फील्ड थी रिक्वेस्ट हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया हमने एच ई डी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट कहीं डिक्लेयर नहीं किया लेकिन जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट और रिस्पांस ये ऑब्जेक्ट्स हमें और इसी तरह आउट ये वाले ऑब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे अवेलेबल होते हैं तो रिक्वेस्ट का हमने यूज़ किया है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर किया उसको नम वन दिया तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो वो वैल्यू होगी जो यूज़र ने पहली इनपुट बॉक्स में डाली होगी उसको हमने एक स्ट्रिंग ऑप वन में सेव कर दिया है इसके बाद हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर दोबारा किया है नम टू की वैल्यू ली है और उसको स्ट्रिंग ऑप टू में सेव कर दिया है अब ये दोनों स्ट्रेंग है और हमारा मैथड जो है वो इंटीजर्स दे रहा है तो इसको हमने इंटीजर डॉट पार्स एन के मैथड के थ्रू कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर्स में तो इंटीजर डॉट पार्स ऑप वन इंटीजर डॉट पार्स एंट ऑप टू ये दोनों इसको इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देंगे दोनों इंटीजर्स का नाम है फर्स्ट नम और सेकेंड नम उसके बाद हमने अपना स्क्रिप्टलट के अंदर से फंक्शन कॉल कर दिया है सम फर्स्ट नम सेकेंड नम और उसका जो रिजल्ट है उसको रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया है तो आप ये देखेंगे स्क्रिप्टलेट के अंदर हम कोई भी जावा कोड लिख सकते हैं जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो हम प्रोसेसिंग यहाँ पे कर सकते हैं ये वाली प्रोसेसिंग जो थी ये जर्नली अगर आप एक सर्वलेट बनाते हैं तो ये प्रोसेसिंग आप कहाँ करते हैं आप डू गेट या डू पोस्ट के मेथड के अंदर कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि ये कोड एज इट इज वहां पर इंसर्ट कर देगा जीएसपी पार्सर और इस तरह आप जो डिक्लेरेशन करते हैं वो कहाँ करते हैं वो आप ऑब्वियसली क्लास लेवल पर करते हैं अपने सर्वलेट के अंदर आप एक इंट रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं और आप अपना एक मेथड भी डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा डिक्लेरेशन टैग में आ गया है अब जो हमारे पास रिजल्ट आया इसको हम स्क्रिप्टल के अंदर से भी प्रिंट कर सकते हैं आउट का ऑब्जेक्ट यूज करके लेकिन हमने एक्सप्रेशन टैग यूज करके दिखाने के लिए इसको लिखा है नीचे एच टी अपनी स्टार्ट की है सम इज और उसके बाद आप देखें कि परसेंट इक्वल टू का टैग आया है और रेस्ट आया है अच्छा रेस एक इंटीजर है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये एक्सप्रेशन टैग को जो आप चीज़ देंगे जो वेरिएबल देंगे ये जो एक्सप्रेशन देंगे ये उसको कन्वर्ट कर लेगा एक स्ट्रिंग में और वो स्ट्रिंग यूजर को डिस्प्ले होगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन टैग है जो हमने आपके सामने लिखा है और ये पूरा सेकेंड डॉट जी है इसके अंदर हमने हर तरह का जो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट था उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है इसकी जरा आउटपुट देखते हैं फर्स्ट डॉट जी में आते हैं फर्स्ट डॉट जीएसपी के अंदर आप देख लेंगे दो टेक्स फील्स है और एक बटन है फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर में हम दो वैल्यूज दे देते हैं जब हम कैलकुलेट सम के मेथड को हिट करेंगे तो हम सेकेंड डॉट जीएसपी पे चले जाएंगे सेकेंड डॉट जीएसपी पे हम आ जाते हैं कैलकुलेट सम का बटन हिट करके और यहाँ पे आप देखें कि सम इज सेवन आ रहा है यानी कि दोनों चीजें सम होगी इस पेज के अगर हम सोर्स ले तो ये सोर्स है आप देखें कि हमारा कोई JSP कमेंट यहाँ नज़र नहीं आ रहा आपको क्या नजर आ रहा है आपको सिर्फ वो HTML नज़र आ रही है जो हमने लिखी थी और HTML कमेंट नज़र आ रहा है कोई जावा का कोड भी नज़र नहीं आ रहा वजह ये है कि जावा का कोड जो होता है ये तो सर्वलेट पे चला जाता है और सर्वलेट एग्जीक्यूट होता है वेब सर्वर पे जो क्लाइंट को वापस चीज़ मिलती है दैट इज सिंपल एच सो हमारे सामने ये एच आ रही है जो कि हमें मिल गई है जितना कुछ एग्जीक्यूशन होनी थी कोर्ट की वो सर्वर पे होके उसका रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्लेड है द फॉर्म ऑफ एच टी कमेंट्स यूजर को भी नजर आ रहे हैं जीएसपी कमेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है तो अभी जो हमने आपके सामने एग्जांपल डिस्कस केस में हमने दो नंबर लिए है एंड कैलकुलेट दर इन साइड पी पेज ट्राइड टू शो यू डिफरेंट स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स जी एस पी स्क्रिप्टलेट की एग्जाम्पल हमने देखी डिकलेन की एग्जाम्पल हमने देखी हमने एक्सप्रेशन टैग की देखी कमेंट्स देखे सो दीज आर डिफरेंट स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स दैट यू कैन यूज इनसाइड साइड जी पेज एंड वी हैव शोर यू दैट इट्स रिलेटिवली इजियर टू राइट जॉवर कोड इनसाइड एन इस्टीमल डॉक्यूमेंट वेन यूर यूजिंग अ जी पेज यहां पर हमने जो सेंटेक्स यूज किया दार फॉर एक्सप्रेशन टैग फॉर स्क्रिप्टिंग टैक्स दारटेक्स वेन जी एस पी के एम इनिशियली ये वाला वहां पर यूज किया जाता था दैन स्लोली वन एक्सएमएल के फॉर्वर्ड और सारे एक्सम एल बेस्ड एक uh, काम होना शुरू हुआ तो आपको पता है कि जैसे एक्सएमएल में हर स्टार्टिंग टैक का एंडिंग टैक्स जरूरी होता है इट्स अ वेल फॉर्म लैंग्वेज तो जे एस पी के जो टैक्स हैं उनको भी एक्सएमएलटेक्स में कन्वर्ट करने की एक कोशिश की गई और जनरली वो एक्सएमएलटेक्स भी यूज़ किया जाता है बिकॉज टूल्स कैन पार्स एंड कैन बी रिफा दिन वेल सो यहां पे हम आपको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि वो भी देख लेंगे आपने वो सेंटेक्स यूज करना हो अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो आप वो सेंटेक्स यूज कर लें योर आईडीजेंटली आउटपुटिंग दोस्त टैग जब आप वो लिख रहे होते हैं तो आपको हेल्प कर जाती है कि भाई ये टैग है, है, so well. है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि स्क्रिप्टिंग एलिमेंट है कमेंट डिक्लेरेशन एक्सप्रेशन एंड डेलेरेशन हम वैसे तो साइन ऑफ एक्सक्रामिनेशन के साथ अगर आप डिक्लेरेशन एक्सएमल बेस्ड सिंटेक्स पे करना चाहें तो जीएसपी कोलन डिक्लेरेशन ये हमारा ओपनिंग टैग होगा और उसके बाद स्लेश जीएसपी कोलन डिक्लेरेशन हमारा क्लोजिंग टैग होगा और सारी की सारी डिक्लेरेशन इसके अंदर जाएगी सिमिलरली जीएसपी कोलन एक्सप्रेशन और स्लेश जीएसपी कोलन एक्सप्रेशन ये दोनों टैग भी हमारे पास होंगे जिसके अंदर हमारे एक्सप्रेशन आएंगी स्क्रिप्टलेट के लिए जी कोलन स्क्रिप्टलेट और एंडिंग के लिए स्लैश जी कोलन स्क्रिप्टलेट ये टैग इस्तेमाल होगा तो आप एक्सएमएल बेस्ड सेंटेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जी के स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स को इंडिकेट करने के लिए अपने जी डॉक्यूमेंट के अंदर पुराना सिंटेक्स भी चलता है बट जनरली दैट इज नॉट प्रेफर्ड एनी ये वाला सिंटेक्स को प्रेफर किया जाता है स्टिल इफ यू आर मोर कम्फर्टेबल विद यू कैन यूज इन यूर इनिशियल कोर्ट दैटेक्सट वीव जस्ट शोन यू तो ये जो अभी हमने कमेंट्स आपके सामने दिखाए हैं इसको अगर हम अपने कोड में देखना चाहें जो भी हमने कोड किया था तो मैं कोड में भी आपको दिखा देता हूँ कि कोड में ये कैसे हुए अभी जो आपने JSP पेज देखा था जिसके अंदर हमने ये सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल किए थे ये वही JSP पेज है लेकिन यहाँ पे हम एक्सएमएल बेस्ड सेंटेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्क्रिप्टलाइट का टैग था डिकलेरेशन का टैग था उनकी जगह ले ली है एक्सएमएल बेस्ड टैग ने तो डिक्लेरेशन में जहाँ पे पहले पर्सेंट और साइन ऑफ एक्जामिनेशन आ रहा था वहाँ पे अब जी एस पी कोलन डरेशन आ रहा है और जहाँ पे वो टैग एंड हो रहा था वहाँ स्लैश जी एस पी कोलन डिक्लेरेशन आ रहा है और इसी तरह बाकी सारे टैग्स भी और आप देखेंगे डॉक्यूमेंट के टॉप के ऊपर भी डिक्लेरेशन हुई है कि इट्स एन एक्स एम एल डॉक्यूमेंट और उसके अंदर एक्सएमएल के जो टैग यूज हुए हुए हैं एक डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई uh, किया हुआ है कि जहां से वेरीफाई किया जा सकता पे अगर आपके कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं आपको एक्समल का पता है तो यू कैन अंडरस्टैंड लर्न इट थ्रू समेस्ट्रा लेक्चर बेस्डेक्स दैट वी यूज इन साइड आर जी एस पी पेज इन कॉमन रूटीन तो आज हमने अपने जीएसपी कैरियर के जो स्टार्ट किया उसमें हमने जीएसपी के जो इन्ग्रीडियंट डिस्कस किए थे उनमें से स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स को देखा है स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स की एग्जाम्पल भी देखी है

कि कोई ऐस सेंस नहीं है बिकॉज जी एस पी इज़ अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी जी एस पी जो है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होकर एच टी एम एल रिटर्न कर सकती है तो जब ये एच टी एम एल रिटर्न कर रही है तो इसका मतलब है कि जो कुछ आप एच टी एम एल में कर सकते हैं वही आप जी एस पी पेज में कर सकते हैं एवं क्योंकि उसने एच टी एम एल ही रिटर्न करनी है और जो कुछ आप सर्वलेट में कर सकते थे वही आप यहाँ पर कर सकते हैं क्या मैं जी एस पी पेज के अंदर फ्लैश यूज़ कर सकता हूँ करने आप यूज एच टी एम एल डॉक्यूमेंट है ना उसके अंदर फ्लैश का टैग अगर आप डाल फ्लैश इस्तेमाल करना चाहते हैं डू इट और आपने बाकी जो जावा का कोड लिखना है वो तो परसेंट में लिखना है उसको आपका जीएसपी पार्सर एक्सट्रैक्ट कर लेगा क्या इसमें मैं कुछ बी या कुछ और इस तरह की चीजें जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ सब कुछ कर सकते हैं एनी थिंग डैट यू कैन राइट इन एच पेज यू कैन राइट एन इन जी एस पेज सिर्फ जावा बेस्ड कोड जो होगा वो स्पेशल टैक्स में होगा आपका जी एस उसको निकालेगा उसको एक सर्वलेट में डाल के कम्पाइल करेगा और वापस आपको रिजल्ट्स दे देगा तो बेसिकली जी पेज के साथ आप हर काम कर सकते हैं जो आप एच और सर्वलेट के साथ कर सकते थे इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग दिस एच एंड जावा टुगेदर आई होप के आपको आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा जी पेजेस को आप स्टार्ट लें जी पेजेस बनाए और उनके साथ जो कुछ आपने एक्सरसाइजेस सर्वलेट्स में की थी उनको जी पेजेस में भी परफॉर्म करें नेक्स्ट टाइम हम करेंगे ये कि इसके जो बाकी डिफरेंट हमने इन्ग्रीडियंट्स देखे थे जैसे डायरेक्टिवस वगैरह हैं उन पर डिस्कस करेंगे एंड वील मूव टू अनदर टॉपिक एज वेल जो कि हमारा जावा बीन्स का टॉपिक है वो भी हम देखेंगे कि क्या होती है उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है सो कीप वॉचिंग हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या आ रहा है और तब तक अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखें इनशाला अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़